गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए हम अपनी इंग्लिश की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ दिस और दीज। दिस का मतलब क्या होता है और दीज का मतलब क्या होता है, डैट का मतलब क्या होता है और दोज का मतलब क्या होता है। दिस का यूज़ हम कब करेंगे, डैट का यूज़ कब करेंगे, दीज का यूज कब करेंगे, दोज का यूज कब करेंगे। तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ वन और मैनी, यानी कि सिंगुलर और प्लुरल। दिस मतलब यह और दीज मतलब ये या ये सब। मैनी चीज़ के लिए या बुक्स है, पेंस है, अगर एक एक है तो पेन बोलेंगे और एक से ज़्यादा है, दो चार, तो क्या बोलेंगे, पेंस बोलेंगे। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उसी तरह अगर पेंस है तो हम दिस का यूज करेंगे और अगर एक पेन रहेगा तो दिस का यूज करेंगे। अगर वन है तो डैट का यूज करेंगे और अगर वन से ज़्यादा है तो दोज का यूज करेंगे। दिस का प्लूरल हो गया दीज, डैट का प्लूरल दोज। वी यूज दिस इज टू डिनोट ए थिंग क्लोज टू अस, जो नज़दीक में जो हमारे पास जो वस्तु रहेगा, एक वस्तु जो हमारे पास नज़दीक में है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस इज। जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन, दिस इज ए कैट, दिस इज ए रैट, जो हमारे नज़दीक में रहेगा। लेकिन जो हमसे दूर में रहेगा उसके लिए हमें यूज करना होगा वी यूज दैट इज टू डिनोट ए थिंग फार अवे फ्रॉम अस। दूर के चीज़ के लिए हमें डैट इज यूज करना होगा। डैट इज ए पेन, डैट इज ए कार, इस तरह से। डैट इज अवे फ्रॉम अस मन दूर की वस्तु के लिए हम डैट इज का यूज करेंगे, नज़दीक के लिए दिस इज का यूज करेंगे वन थिंग्स में। लेकिन अगर वन मोर देन वन है, वन से ज़्यादा है, तो वी यूज दीज आर टू डिनोट मैनी थिंग्स विच आर क्लोज टू अस। वन से ज़्यादा है, मोर ऑफ वन है, तो हमें दीज आर का यूज करना है एक से ज़्यादा वस्तु के लिए, नज़दीक के लिए। नज़दीक में है और एक से ज़्यादा है तो दीज आर, जैसे दीज आर फ्रॉक्स, दीज आर टोमेटोज। और वी यूज दोज आर टू डिनोट मैनी थिंग्स विच आर फार अवे फ्रॉम अस। और दोज आर का हम यूज तब करेंगे जब एक से ज़्यादा है और हमसे दूर में है, दूरी पर है। तो दिस, डैट, दीज, दोज का यूज कैसे किया जाए ये मैं आपको बता दी हूँ। अब मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस और दीज। हमें दिस और दीज का यूज कैसे करना है ये मैं बता दी हूँ आपको। जो सिंगुलर के लिए, वन के लिए हम दिस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे दिस और दीज, इसका यूज करके आपको ये फिल करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। अब इज ए ट्री, ए है तो मतलब सिंगुलर है, वन है, ए मतलब एक होता है, तो एक के लिए मैं क्या बताइए आपको, दिस का यूज करेंगे आप यहाँ पे। यहाँ इज है और ए है, और वन के लिए मैं आपको बताई हूँ दिस का यूज करने के लिए। यहाँ इज है, ए है, तो यहाँ क्या चीज़ का यूज होगा, दिस। दिस इज ए ट्री, दिस इज ए हाउस, लेकिन यहाँ आर है, सिप्स है, एस लगा हुआ है, वन से ज़्यादा है, तो हम दीज का प्रयोग करेंगे, दीज आर सिप्स। फिर यहाँ इज है तो दिस इज ए पेन, दीज आर कॉज, दीज आर टोमेटोज, दीज आर फ्रॉक्स और दिस इज ए रोज। इस तरह से हम दिस और दीज इसमें फिल इन करेंगे।